जेन विजडम में आपका स्वागत है। आज सुनेंगे एक कहानी जो हमें सिखाएगी कि दुखों और संघर्षों के बावजूद कैसे हम अपनी जिंदगी हंसी और खुशी के साथ जी सकते हैं। जी हाँ, ये कहानी है थ्री लाफिंग मॉन्क्स की। बहुत समय पहले की बात है, पुराने चाइना के नॉर्थ प्रेस में तीन मॉन्क्स रहते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता, क्योंकि उन्होंने कभी अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। उन्होंने कभी किसी बात का जवाब तक नहीं दिया। चीन में बस उन्हें तीन हंसते हुए भिक्षुओं के नाम से जाना जाता था। वे तीनों सिर्फ एक ही काम करते थे, एक गांव में प्रवेश करते, बाजार के बीचों बीच खड़े होते और हंसना शुरू कर देते थे। अपनी पूरी जान के साथ, पूरे अस्तित्व के साथ हंसते थे। अचानक लोगों का ध्यान उनकी तरफ खिंचा चला जाता और धीरे धीरे उनके चारों तरफ एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाया करती थी। वे इतनी एकाग्रता, इतनी तल्लीनता और इतनी संपूर्णता के साथ हंसते थे कि उनकी हंसी को देखकर सारा गांव हंसने लग जाता। कहा जाता है ना कि स्माइल इज कंटीजियस। जब वह पूरा गांव हंसी के समुद्र में डूब जाता तो वे दूसरे गांव चले जाते। ना तो कुछ बोलते थे, ना ही कुछ उपदेश देते थे और ना ही कोई शिक्षा देते थे। वो जहां भी जाते अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर बस हंसने लग जाते। धीरे धीरे चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे और वो पूरे चाइना में फेमस हो गए। थ्री लाफिंग मॉन्क्स के नाम से चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। इससे पहले और उनके बाद भी कभी किसी ने इस तरह से हंसी का प्रचार नहीं किया, नहीं बताया कि जीवन केवल हंसने के लिए मिला है, खुश रहने के लिए मिला है। वो किसी के ऊपर नहीं हंसते थे, वो बस हंसते थे, जैसे कि उन्होंने ईश्वर के इस खेल को समझ लिया हो, जिंदगी के इस मजाक को समझ लिया हो। और उन्होंने एक शब्द का उपयोग किए बिना पूरे चाइना में इतना आनंद फैलाया जितना आज से पहले किसी ने ना फैलाया था। लोग उनका नाम पूछते लेकिन वो बस हंसते। ये तीनों हंसते हुए भिक्षुक धीरे धीरे बूढ़े हो गए और एक रात जब वे एक गांव में ठहरे हुए थे, उन तीनों में से एक भिक्षुक की मौत हो गई। पूरा गाँव स्तब्ध रह गया। पूरा गाँव ये सोच रहा था कि जब इनमें से एक की मृत्यु हो गई, बाकी जो दो भिक्षु हैं उनकी हालत देखने लायक होगी, क्योंकि कभी भी किसी ने भी इन लोगों को रोते हुए नहीं देखा था। जब सुबह हुई, पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन दोनों भिक्षु तीसरे की लाश के पास खड़े हैं, जोर जोर से हंस रहे हैं, ऐसी हंसी जैसी उन्होंने आज से पहले कभी ना हंसी। गाँव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि ये आपका साथी था और इसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन भिक्षुओं ने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि ये आदमी जीत गया है। हम हमेशा सोचते थे कि पहले कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया। हम अपनी हार और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा ये कई वर्षों तक हमारे साथ रहा, हम एक साथ रहे, हमने एक दूसरे की मौजूदगी, एक दूसरे की उपस्थिति का आनंद लिया। उसे अंतिम विदा हंस कर देने का इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं है। लेकिन पूरा गांव उदास था जब मृत भिक्षु के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लटाया गया, तो सारे गांव वालों को एहसास हुआ कि शेष दो भिक्षु केवल मजाक नहीं कर रहे थे, वो तीसरा जो मृत था वो भी हंस रहा था। चीन में ये प्रथा थी कि जब एक इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके पुराने कपड़े उतारकर, उसे नहला धुलाकर उसे नए कपड़े पहना दिए जाते हैं। लेकिन मरने से पहले उस भिक्षु ने अपने साथियों से अपने कपड़े ना बदलने के लिए कहा था। तीसरे भिक्षु ने कहा था कि मुझे स्नान मत करवाना क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं, मेरे जीवन में इतनी खुशी है कि कोई अशुद्धता जमा हो ही नहीं सकती, मैंने कोई धूल जमा नहीं की है, हंसी हमेशा मुझे ताजा करती है, इसलिए मुझे नहलाकर मेरे कपड़े मत बदलना।
जब उस तीसरे भिक्षु के शरीर पर आग लगाई गई तो गांव वालों को पता चला कि उस भिक्षु ने मरने से पहले अपने कपड़ों में कुछ पुरानी पटाखों को छुपा लिया था, जो आग जलने के बाद फटकर आसमान में रंग बिरंगे कपड़ों में फैल गए। और ये देखकर एक बार फिर पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। तो इस तरह से वो तीसरा मंक मरने के बाद भी सारे गांव वालों को हंसा गया। और ये देखकर दोनों मॉन्क्स ने कहा, चालाक आदमी, तुम मर चुके हो लेकिन तुमने एक बार फिर हमें हरा दिया। तुम्हारे द्वारा गांव वालों के चेहरों पर पैदा की हुई ये हंसी आखिरी हंसी थी। तो ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि जिंदगी में हंसना यानी खुद हंसना और दूसरों को हंसाना हमें इतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देता है कि वो जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी बन सकती है। जैसे कि वो भिक्षु मरने के बाद भी दूसरों के चेहरे पर खुशी देखना चाहता था। अगर यही कोशिश हर एक व्यक्ति की हो जाए, वो लोगों को खुश देखने की आदत डाल लें, खुद खुश रहने की आदत डाल लें, तो शायद ये पूरी की पूरी दुनिया जन्नत बन जाए, स्वर्ग बन जाए। इसलिए जिंदगी में मुसीबतें, तूफान, दुर्घटनाएं, कठिनाइयां तो आती ही रहेंगी, क्योंकि ये जिंदगी खुशी और गम दोनों से मिलकर बनी है। लेकिन हमें हर हाल में मुस्कुराना चाहिए और अपने आसपास के लोगों में भी हंसी फैलानी चाहिए, क्योंकि ये पॉजिटिविटी, ये हंसी हमारी मुश्किलों को भी आसान कर देती है। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। पहली बार अगर ज़ेन विजडम पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। फिर से एक नई मोटिवेशनल स्टोरी लेके आपके पास आएंगे। तब तक के लिए खुश रहिए।